यह कथा मूलतः जापानी भाषा में लिखा गया एक संस्मरण है, जिसे हिंदी में अनुवादित किया गया है। इनमें दो बच्चों तोतो चान और यासुकी चान की मित्रता के विषय में बताया गया है। तोमोए में हरेक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। वह उनकी निजी संपत्ति होती थी। वहां किसी और का आना हो तो बड़ी शिष्टता से पूछना होता था, क्या मैं अंदर आ जाऊं? तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद उस पर बैठी मिलती थी। सभागार में शिविर लगने के दो दिन बाद तोतो चान ने बड़ा साहस का एक काम करने का फैसला लिया। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर उनके माता पिता सुनते तो उन्हें जरूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो चान ने मां से झूठ कहा कि वह यासुकी चान के घर जा रही है। स्कूल पहुंचने पर मैदान के पास में उसे यासुकी चान मिला। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। तोतो चान बहुत उत्तेजित थी। एक दूसरे से मिलकर वे हंस पड़े। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ के पास ले गई और उसके बाद वह चौकीदार के वहां से एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। फिर उसने सीढ़ी को तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। वह फूर्ती से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया और फिर यासुकी चान को ऊपर चढ़ने के लिए कहा। लेकिन यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से सहारा देने लगी। लेकिन वह खुद इतनी छोटी थी कि क्या करती। दोनों निराश हो गए। अचानक तोतो चान को एक तरकीब सूझी। वह फिर चौकीदार के छप्पर की तरफ दौड़ी और वहां से तिपाई सीढ़ी घसीटकर ले आई। पसीने से लथपथ उसने तिपाई सीढ़ी द्विशाखा से लगा दी और यासुकी चान को सहारा देकर धीरे धीरे सीढ़ी पर चढ़ाया। दोनों जान न पाए कि यासुकी चान को ऊपर चढ़ने में कितना समय लगा। यासुकी चान सीढ़ी के ऊपर तो पहुंच गया और तोतो चान सीढ़ी से छलांग मारकर पेड़ पर पहुंच गई। लेकिन यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाना बहुत मुश्किल हो गया। दोनों को अपनी सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चान को रोने का मन होने लगा, लेकिन वह रोई नहीं। उसने यासुकी चान को लेट जाने को कहा और उसका पोलियो वाला हाथ पकड़कर उसे द्विशाखा पर खींचने की कोशिश करने लगी। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतोचान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते। पर यासुकी चान को तोतोचान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तर बतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है।
यासुकी चान झिझकता हुआ मुस्कुराया और तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। यासुकी चान ने उस दिन पहली बार तोतो चान को टेलीविजन के बारे में बताया जिसके बारे में उन दिनों कोई नहीं जानता था। यासुकी चान को उसकी अमेरिका में रहने वाली बहन ने उसके बारे में बताया था। दोनों पेड़ पर बैठे बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था।